व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को बीमारी से बचाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये है राबिया मेरी बेटी। तो चलो अभी मैं बनाने आज मैं अभी बनाने जा रही हूँ। मेरे रूटीन है शाम का क्या बनाऊँ, तो शाम में आज मैं खट्टा सालन बनाने जा रही हूँ, झींगे का, इंग्लिश में जिसको फ्रॉन्स बोलते हैं। इंग्लिश इतनी आती नहीं, फिर भी मैं ठोकती रहती हूँ। तो झींगा मुझे अच्छा लगा तो मैंने मार्केट से ले लिया, मार्केट गई थी तभी। तो अम्मी जो है झींगा साफ कर रहे हैं, वहाँ बैठ के ये अम्मी झींगा साफ कर रहे हैं। इधर अम्मी सलाम करो। सलाम। हाँ, अम्मी जो है यहाँ बैठ के झींगा साफ कर रहे हैं। झींगा साफ करेंगे फिर कचरा लेके जाके फेंक के आएंगे उधर पे डस्टबिन में, दूर डस्टबिन है इधर से। तो अभी अम्मी जब झींगा साफ कर लेंगे उसके बाद ही सब प्रोसीजर चालू होगा। जब तक ये झींगा साफ नहीं होता, प्रोसीजर चालू नहीं होगा। तो अभी ये झींगा अम्मी साफ कर रहे हैं। राबिया डाल रही है क्या, सरफ लेके आ गई थी, कपड़े धोने का सरफ खलास हो गया था तो सरफ लेके आ गई थी मैं। तो रोज़ाना जाती हूँ तो मार्केट से कुछ ना कुछ सामान जो घटता है बढ़ता है तो लेके आती। तो आज मैंने क्या लेके आई थी मार्केट से राबिया? हाँ, सोसाइटी चाय पत्ती का। आज मैंने मार्केट से आज मार्केट से मैंने सोसाइटी चाय पत्ती खत्म हो गई थी तो सोसाइटी चाय पत्ती, ये रही सोसाइटी चाय पत्ती, ले आई हूँ सोसाइटी चाय पत्ती के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के चाय पत्ती हाथ से छूट गई। तो सोसाइटी चाय पत्ती और सरफ जो राबिया डाल रही है वो, और ये चाय पत्ती के साथ अभी जो है ना मिल रहा है क्या, ये ना एक पैकेट चावल मिलता है, अच्छा लगता है मुझे, मैं इसके कुछ भी बिरयानी वगैरह बनाती हूँ। तो ये सोसाइटी पाव किलो की चाय पत्ती लूँगी तो सोसाइटी चाय पत्ती पे, पाव किलो के पत्ती पे ये चावल मिलता है मुझे। तो ये चावल मुझे जब बिरयानी वरियानी बनाने के लिए थोड़ी सी बस मुझे खाने के लिए या ब्लॉक में डालने के लिए तब मैं बनाती हूँ। तो मैंने पाव पाव किलो के दो चाय पत्ती ली थी तो इसके लिए मुझे दो चावल की पैकेट मिली इस तरह। तो मैंने थोड़ा बहुत राशन आज भराया, थोड़ा कल। तो मैंने आज कमाल की बात ये हो गई है, जैसे कि मैंने बोली थी कि आपको झींगे का जो हम लोग सालन बनाते हैं कर्नाटक स्टाइल में, यानी हम लोग जैसे बनाते हैं, मेरी आप चला, तो जैसे हम लोग सालन बनाते हैं इस तरीके से। तो मैंने मसाला पीस लिया, मैंने आपको बोली थी मसाला पास पीसने के बाद बोलूँगी, तो मैंने मसाला पीस लिया है। ये मसाला मैंने पूरा रेडी कर लिया मच्छी के सालन का। अब मैं करूँगी इसको बगल, इसी के साथ साथ जाएगा इसमें हमारे साथ, ये रहा झींगा, झींगा भी इसमें चला जाएगा साथ किया वो, एकदम अच्छे से तीन चार पानी से साफ हो चुके हैं इसके अंदर का भी चीज चले। बाद में अगर मुझे लगे कि इसमें नमक लगना चाहिए बन जाएगा, और 50% यानी आलू और फल्ली गल जाएंगे 50%, उसके बाद मैं इसमें खट्टा डाल के पकाऊंगी और इसके बाद और पानी डालूंगी। अब मैंने खाली पानी डाला आलू और अपना
रखूंगी। मेरे बड़े प्लीज़ मुझे लाइक और सपोर्ट करो। अगर आप लोग इसकी रेसिपी वगैरह जो भी चाहिए तो फिर